जगह देखो प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट। दिल इतना बिल्कुल बाहर आ गया है जब हमने इस मर्डर केस के बारे में सुना। मैं इसे रेप टॉर्चर मर्डर एग्जैक्टली मैं इसे मर्डर केस ही कहूंगी। क्या मानसिकता होगी उस रेपिस्ट की जिसने इस औरत के शरीर को इतना ज्यादा तोड़ दिया कि वो टॉर्चर हो के मर गया, शरीर के अंदर से जान ही चली गई है। जब भी हम इसे सुन रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि सच भी हो सकता है क्या। मैं आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करूंगी क्या मानसिकता रहती है उस आदमी की, क्योंकि मैं खुले शब्दों में बात करती हूँ सेक्स एडुकेशन की। और सेक्स एडुकेशन होने के बावजूद, इतने साल की पढ़ाई के बावजूद, इतना ढका हुआ शरीर एक डॉक्टर के साथ जब ये हो जाता है उसके अपने कर्म स्थल पे, जहाँ पे वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर ये मरीज की सेवा कर रही है और उसके साथ ऐसा हो जाए तो हमें समझ में आना चाहिए कि अब सारे दरवाजे ह्यूमैनिटी के हो गए हैं बंद। और ये सब शुरू होता है मुझसे और आपसे। ये जो हम मोमबत्ती लेके सड़कों पे चल रहे हैं ना, इसे ऐसे खत्म नहीं करना है। मैं चाहती हूँ ये जो आग हमारे अंदर जली है, ये जो हमें समझ आ रहा है कि दिस इज डन एंड नाउ वी नीड पनिशमेंट, इसे हम तब तक जलाएं जब तक कोई सही स्टैटिक पनिशमेंट नहीं आती है। साइकोलॉजी ऑफ अ रेपिस्ट इन डिटेल चलिए बात करते हैं। जब हम बात करते हैं रेप्स की तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब अराइज होती है जब हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। 32 साल की डॉक्टर जो कि कोलकाता के एक हॉस्पिटल में SR-ship कर रही है, 8 साल की स्टडीज, बोलते हैं डॉक्टरी सबसे डिफिकल्ट कोर्स है, सबसे ज़्यादा मेहनत प्रतिज्ञा लगती है बार बार पढ़ाई करने में, एंट्रेंस क्लियर करने में। उसके बाद ये लड़की इतना समय स्टडी करने के बाद 36 घंटे की बिना पलक झपकाए हुए एक जॉब, और जब वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने जा रही है तब किसी आदमी ने उसके साथ इतना घिनौना काम किया कि हम सब समझ ही नहीं पा रहे। मैंने उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू देखा। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि उसकी पेल्विक गर्डल कैसे 90 डिग्री के एंगल पे बनी हुई थी, कितने बुरे तरीके से उसके साथ टॉर्चर हुआ, उसकी आंखों में उसके खुद के चश्मे के ग्लासेस गए हैं और उनमें से ब्लीडिंग हो रही है, बुरा हाल, हर चीज, हाथ पैर हर चीज के साथ गलत चीज, ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना, ब्लीडिंग फ्रॉम आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम गर्डल, एवरीवेयर। दिस इज नॉट समथिंग जिसे हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि ऐसे क्रिमिनल की मानसिकता क्या रहती है, वो है एक्सेसिव सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। सबसे पहले तो मैं कारण दूंगी कि रेप्स क्यों बढ़ रहे हैं। पहले तो ये मानसिकता कि इनके लिए कोई लॉ ही नहीं है, कोई इंडिया में कोई लॉ ही नहीं बना है, कुछ क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा समय की जेल हो जाएगी, जेल के बाद ये क्रिमिनल्स फिर बाहर आ जाएंगे और फिर वही सेम रिपीटेशंस ऑफ क्राइम। तो जब तक एक स्टैंडर्ड पनिशमेंट नहीं होती तब तक हम नहीं मान सकते कि ऐसे रेपिस्ट की मेंटालिटी पे कोई चोट पहुंच सकती है। इसलिए जरूरी है हमारा जस्टिस को जोर जोर से बोलना ताकि बस अब और सहन नहीं। दूसरा, ऐसे जो रेपिस्ट होते हैं वो कोई जन्म से रेपिस्ट नहीं होते हैं, वो जब उनका बचपन स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे हम उनके अंदर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस देख सकते हैं। हम जैसे कोई ऐसी वीडियोस या ऐसा कुछ कंटेंट मिलता है वो खुल के अपने पेरेंट्स के आगे नहीं बोलते हैं, पेरेंट्स का एडुकेट ना होना या पेरेंट्स का ऐसा खुला एनवायरनमेंट ना देना जहां बच्चा अपने खुल के बता सके कि मैंने ऐसा कुछ देखा, क्या ये सही है या गलत है। इमेजिन करो एक बच्चा जिसने किसी को करते हुए देख लिया, अब उसके पेरेंट्स के पास जाने की उसकी मानसिकता ही नहीं है कि वो जाके बोले कि ये गलत हो रहा है। जहाँ उसको प्रेम प्रसंग बोलना चाहिए, जहाँ उसको अपने पार्टनर के साथ करने की एक लिबर्टी होनी चाहिए, वहीं को पाने या हवस का कारण बनाया गया है। और यही हवस क्या करती है, लोगों के अंदर छीनने की, किसी के शरीर के साथ खेलने की मानसिकता को पैदा करती है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसे में सबसे बड़ा दायित्व आता है एक अच्छी सेक्स एडुकेशन का, और ये शुरू होता है पेरेंट्स से। इंडिया पहुंच तो गए या दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले जोन पे, लेकिन आज भी सही से खुल के सेक्स एडुकेशन कोई देना नहीं चाहता है, उसको लेना नहीं चाहता है। और अगर कोई बोल रहा है तो उसे ऐसे बोला जाता है कि भाई ये औरत तो पैसा कमाना चाहती है, ये व्यूज करना चाहती है, इसलिए बोल रही है। तीसरा, females are always being blamed for wearing short clothes. Definitely, बहुत बार औरतों को चलते चलते तुम घर से बाहर निकलती हो इसलिए तुम्हारे साथ हो गया, तुम छोटे कपड़े पहनती हो इसलिए हो गया। Stop victimizing women on this. हर कोई जो
भारत की आबादी में 50% महिलाएं हैं, तभी हमारा एक स्टैंडर्ड रेशियो बना हुआ है। तो वो 50% महिलाएं भी अगर सशक्त नहीं होंगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगी, अपने पसंद से नहीं रह पाएंगी, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ सोसाइटी ऑफ लिबरलाइजेशन। ज़रूरी है कि हम औरतों को उनके कपड़ों पर, उनके स्टैंडर्ड पर ना ब्लेम करें, क्योंकि रेप होने के लिए 3 साल से छोटी महिलाएं, या फिर डॉक्टर जो कि फुली कवर्ड कपड़ों में ड्यूटी कर रही है इतने इतने साल, या फिर 80 उम्र की महिला के साथ भी हो रहा है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि हम औरतों को जज ना करें, इस तरह की मेंटालिटी से लड़ें। और जो ये क्रिमिनल्स हैं जो रोज हमारे ही घरों से उठ के आ रहे हैं, मैंने एक ऐसा इंटरव्यू भी देखा जिसके अंदर जो पकड़ा गया है आदमी, उसकी मदर ये बोल रही है कि मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, वो इस तरह का काम कर ही नहीं सकता है, जबकि पुलिस के रिकॉर्ड्स में उस पर प्रॉपर FIR दर्ज है, जहां उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ भी मोलेस्ट किया है, पहले एक डॉक्टर को मोलेस्ट किया है, या फिर उस पर मल्टीपल और केसेस हैं जिसपे पुलिस के सामने आने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिए गए हैं। इतना बुरा लॉ सिस्टम जिसके अंदर जब बार बार रिपोर्ट हो रही है तो भी उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और फिर जब इतनी बड़ी चीज हो गई है तो भी उनके एविडेंस को मिटाया जा रहा है, या पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से केस को डंप किया जा रहा है। दिस इज नॉट डाइजेस्टेबल। जरूरी यह है कि हम खुल के एडुकेट करें, ताकि हमारे बच्चे हर वो छोटी छोटी चीज हमसे आके पूछें जो उन्हें ठीक नहीं लग रही है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा कुछ इस तरह का कंटेंट देख रहा है या इस तरीके से कर रहा है जो कि गलत है, तो एज अ पेरेंट हमें खुद आगे आना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे उनकी मानसिकता किसी की बॉडी के साथ खेलने की ना हो, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़की हो। इस तरह का एक्ट इज नॉट गुड। जरूरी क्या है कि हम इस जस्टिस की आग को चलाएं, स्टॉप जजिंग वुमेन ऑन दिस, Give sex education to your kids। और वो छोटे छोटे जो बोलते ना आहटे आती हैं जब हम अपने बच्चों को या अपने आसपास वाले लोगों को इस तरह से देखते हैं कि कोई किसी लड़की को गलत छूते हुए दिखता है तो आंखें मूंद देना, वहीं से स्टेप्स उठाएं एंड स्टार्ट मेकिंग योर सोसाइटी अ ह्यूमन वन, ऐसी जिसके अंदर आदमी आदमी की रिस्पेक्ट करे। मुझे पता है हर पुरुष बुरा नहीं है, हर औरत बुरी नहीं है, लेकिन वो जो बुरे हैं उन्हें हमें ही पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ हम मोमबत्ती लेके चलते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। सो जस्टिस फॉर हर, और नमस्कार।